मुझे प्रातःकाल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू प्रातःकाल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 8 जुलाई 2018, पाठ पहला, हिस्केल नबी का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 2 से 5 तक। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं तुम्हें इसराइलियों के पास भेज रहा हूँ। उस विद्रोही राष्ट्र के पास जा जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। वे और उनके पुरखे आज तक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चली आ रही हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, चाहे वे सुने चाहे ना सुने, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। पाठ दूसरा, कुरिन्थियों के नाम, संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 7 से 10 तक। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है, मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभो दिया गया। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव रखूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों पर, कष्टों पर, अत्याचारों पर और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूँ तभी मैं बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस के अनुसार प्रभु यीशु का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 6 तक। वहाँ से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़ गए, यह सब इसने कहाँ से मिला, यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है, यह जो महान
चमत्कार दिखाता है वे क्या है? क्या यह बड़ी बड़ाई नहीं है? मरियम का बेटा नहीं है? याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारी बीच नहीं रहती और ईसा में विश्वास नहीं कर सकते? ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सकते। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु यीशु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।